अंधी बहरी गूंगी दिल्ली कही जाती, गरीबों के नाम पे नारियों के नाम पे शोषण हो रहा खुलेआम। निर्भया एक क्रोध आता मन के अंदर, एक बुरी भावना, भय, डर। डर महसूस होता है अपनी गर्ल्स को और अपनी बच्चियों को लेके। भयानक, दर्दनाक, शर्मनाक। इनसिक्योरिटी। टेरर। इट शेक्स मी। आई वुड से जस्ट शेम। सो आई फील डिसअपॉइंटमेंट। आई फील रियली टेरिफाइड फॉर द लेडीज आउट देयर। डर भी है एंड आई फील दैट गुस्सा भी है। गुस्सा उन लोगों पे कम आता है जिन्होंने किया है, गुस्सा अपने कानून पे ज़्यादा आता है। बहुत दुख होता है कि ऐसा इस पढ़े लिखे समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी सिस्टर के बारे में सोचता हूँ। अपना नज़रिया घर में अलग रखते हैं, बाहर अलग रखते हैं। वाला केस ट्रेंडिंग दिखाया था एक्स वीडियोस पे। अब सोचिए अब तो ये सब मतलब माइंडसेट ही नहीं बदलेगा जब इंडियंस का, तो फिर कैसे क्या करें बोले। इस तरह से गर्ल्स को देखते हैं कि मतलब पता नहीं क्या कर देंगे, मतलब एक होता ना हवस नज़र। सोच उनकी कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, क्या उनके माइंड में चलता है पता नहीं। रेप आदमी यार करता क्यों है? क्योंकि उसको लड़कियों से बात करनी नहीं आती, अप्रोच उसकी गलत होती है। आदमी को यार स्कूल में यार बात नहीं करने दिया जाता है गर्ल्स से, ये सिर्फ यार समाज की वजह से हो रहा है। तो वो कि उन दोनों के यार पास नहीं लाया यार। आप जब भी मेरे से तो आपको यार चीज़ यार छुपाओगे तो वो चीज़ मेरे लिए रहस्य बन जाएगी। तो आपने यार वो मान लो एक यार घूंघट कर रखा है, हाँ तुम देखूँगा यार क्या है इसके अंदर। तो अब लड़कियों को बोलते यार स्कर्ट्स मत पहनो, तो वोट मैं कहूँगा वो बहुत यार सही है कि आदमी यार शांत तो रहे। ताली दोनों हाथों से बजती है, आपको भी पता है। अगर लड़की सामने से कुछ करेगी तो लड़का तो ऑब्वियस है उसको प्लस पॉइंट समझ के उसको फिर से छेड़ेगा। यू आर सेइंग दैट वुमेन इन व्हाइट रेप? हां, वुमेन इन व्हाइट। यस 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 ऑब्वियस। हाउ? क्योंकि दिल्ली में तो मैं देख चुका हूँ, क्योंकि अगर आप बात करें तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां ही आगे से प्लस कर रही है। मतलब क्या प्लस करें, थोड़ा खुले मतलब खुले अभी लड़की खुद आगे से पॉइंट देती है कि हाँ कि मेरे से आके लड़का बात करे। अगर यही पॉइंट वो ना दे जाके थप्पड़ मारे तो ऑब्वियस है। मैं उन बेटियों को काफ़ी अब समझाता हूँ, मैं कहा बेटा तुम घर से आए हो, तुम अपना टाइम से यहाँ से 10-11 बजे अपने घर जा रही हो, ये कोई बात थोड़ी है। अपना 8:30 अपने पीजी जाओ, 10:30 बजे बंद हो जाता तुम्हारा पीजी। तो मैं कई लड़कियों को भी इस बारे में गलती मानूंगा कि वो अपने कंट्रोल में नहीं चल रही है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें अपनी लड़की को बोलना चाहिए टाइम से जाए, या फिर हमें एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए जो कि लड़कियां किसी भी टाइम जाए वो सेफ रहे? नहीं बेटा, टाइम से ही आना चाहिए। लड़कियों की जात को तो एक वो बनाया गया कि लड़की ज्यादा टाइम से आए। रेप वेस्टर्न कल्चर की वजह से इंडिया में बढ़ते रहे। कैसे एग्जांपल मतलब ये शॉर्ट ड्रेस ऑफ गर्ल्स, ये इसकी वजह से तो क्या होता है, कोई एक जैसे कोई एक लड़की गई तो एक लड़के की उत्तेजना अंदर जगती है। क्यों? Why we are focusing on our clothes? लड़कों को बदलना चाहिए अपने आप को, आदमियों को बदलना चाहिए। Because even people, I mean girls who wear sari, they also get, I mean molested and all. अपने पैसों से पहन रहे, हमारे पैसों से तो नहीं पहन रहे, अब उनकी मर्जी है। लेकिन लड़के के दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मेरे को उसके साथ गलत करना है। Guys need to be trained rather than girls that you should not go outside at the midnight. एक तो हम लड़कियों को बोलते हैं कि रेप ना हो, रेप ना होने दो, लेकिन लड़कों को हमें नहीं बोलते हैं कि रेप ना करो। एजुकेशन तो यार मेन है, बंदा इलिटरेट है उसके माइंड में 24 घंटे वही चीज़ें आती हिट करती हैं कि लड़कियों की वो इज्जत करना जानते नहीं है, घर में उनके नहीं होती। एक तो देहाती एरिया से आए हो, थोड़े गांव टाइप से, थोड़ा शहर में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है उनका, तो वो ज़्यादातर करते हैं। और ज़्यादातर हमने रेप केस में देखा कि हमेशा जो लोअर बैकग्राउंड्स होते हैं वही होते हैं रेपिस्ट। मैं तो समझता हूँ गंवार लोग ये काम नहीं करते, ये काम करते हैं समझदार लोग करते हैं। हम ऑटो चलाते हैं, लड़कियाँ हमारे साथ इधर से उधर उधर से, तो हम उनको खुद अपने बच्चों की तरह उनकी मतलब अंग रक्षक प्लस ड्राइवर बन के चलते हैं। हम आज़ाद देश है, नेताओं कहते हैं लड़कियों को फ्रीडम मिलना चाहिए, लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और बराबर जब भी होते हैं, जब एक लड़का वो कपड़े पहन सकता है तो लड़की वो कपड़े पहन सकती है, लड़का कुछ खा सकता है लड़की भी कुछ खा सकती है, लड़का वाइन पी सकता है तो लड़की भी वाइन पी सकती है, उसका अधिकार है अगर बराबर करना है तो। यहाँ पे जैसे रात को हम 1-2 बजे निकलते हैं, लड़की जा रही होती है तो वो भी ऐसे
चलती है कि यार डरी डरी सी सेमी सेमी की ये ना आ जाए हमारे पास ऐसे कुछ, तो मुझे लगता है कि वो डर रही है हमसे। उसके दिमाग में पहला थॉट ये है कि यार ये बंदा कितना ही वेल मैनर्ड हो, कितना ही वेल बिहेव्ड हो, इतने अच्छे कपड़े पहने, बट ये मेरी हेल्प करेगा। अनसेफ तो सब जगह है और सेफ भी सब है, मेन बात है बंदे कैसे हैं वहाँ के, मेन बंदों पे डिपेंड करता है। तो बंदों के ऊपर डिपेंड है कि भाई वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अगर मेरे साथ लड़की है तो, लड़की अकेली जा रही है तो उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आपको लगता है कि 6 साल में कुछ बदला है? तो मुझे लगता है यार ये काफ़ी हद तक बदल चुका है। किस सेंस में बदला है, कैसे लगता है आपको, सिक्योरिटी के सेंस में कैसे लगता है आपको बदला? लड़कियाँ तो आज भी डर रही है। नहीं तो मैं बहुत बदला हूँ यार 6 साल में। अच्छा हाँ, तो मुझे लगता है समाज बदला है।